एरोली के अपने गढ़ को बरकरार रखते हुए जोरदार शक्ति प्रदर्शन के साथ आज 150 एरोली विधानसभा मतदार संघ में फिर एक और बार विजय का शंखनाद करते हुए एरोली के वर्तमान विधायक और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार गणेश नाइक ने एरोली स्थित सरस्वती विद्यालय में आज निवर्णुक निर्णय अधिकारी सुचिता भिकाने के पास अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के पूर्व गणेश नाइक ने एरोली स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक को भेंट दी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा को वंदन कर उनका आशीर्वाद लिया, जहां उनके साथ विधायक श्रीकांत भारती, पूर्व विधायक रमेश दादा पाटिल, पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक, सुधाकर सुनावने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवारगढ़ नवी मुंबई के जिलाध्यक्ष नामदेव भगत, पूर्व ज्येष्ठ नगर सेवक अनंत सुतार, नवीन गवते, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, आरपीआई आठवलेगढ़ के सिद्धराम मोहर, नवी मुंबई आरपीआई आठवलेगढ़ के महेश खरे, युवा नेता संकल्प नाइक, महायुति के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नामांकन पर्चा भरने के दौरान बेहद गाजे बाजे ढोल नगाड़ो और पारंपरिक तौर पर गणेश नाइक का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान न भूतो न भविष्य जोरदार शक्ति प्रदर्शन के साथ गणेश नाइक ने पहले ही डाव में विरोधकों को चारों खाने चित कर दर्शा दिया कि उनकी ताकत सिर्फ उनकी जनता का प्रेम और कार्यकर्ताओं का विश्वास है। हजारों के जन सैलाब ने संपूर्ण एरोली परिसर को भगवामय वातावरण में तब्दील कर दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गणेश नाइक ने कहा कि 1990 से जनता ने उनके नेतृत्व पर विश्वास की मोहर लगाई है और इस बार भी उन्हीं के नाम पर मोहर लगाएंगी और वे चुनकर जरूर आएंगे। आजवर 90 सालापासून मी निवडून आलो त्या पद्धतीची ती निवडणूक वाटते, याच्यापेक्षा काही फरक नाही। हे शहर धर्माच्या पलीकडचं आहे, हे शहर जातीच्या पलीकडचं आहे, भाषेच्या पलीकडे, वर्णाच्या आणि वर्गाच्या। या शहरामध्ये तशा प्रकारचं वातावरण कधी नव्हतं, आज नाही आहे आणि उद्या पण येणार नाही, हा माझा विश्वास आहे। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।